بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس، معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں، قرآن کریم معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے. اور خالی معجزہ نہیں ہے، معجزہ نما بھی ہے. اس کے معجزات ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں. انہی میں سے ان گناگون معجزات میں سے ایک شعبہ اعجاز کا قرآن کریم کی تحفیظ ہے. اس میدان میں بھی قرآن کریم کے عجوبے روزانہ اور قیامت تک جاری رہیں گے. چھوٹی عمر میں یاد کرنے والے قرآن کریم کے ان کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں یہ بچی بھی شامل ہو گئی. دونوں بچیاں بھی شامل ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلد یاد کر لینے کے جو واقعات ہیں وہ بھی قرآن کریم کے اعجاز کا ایک حصہ ہیں. ایک محدث جلیل ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، ان کو خیال آیا کہ حدیثیں یاد ہے، قرآن کریم نہیں یاد کیا ابھی تک. تو مجھے یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ میں قرآن شریف یاد کروں. لکھا ہے کہ 3 دنوں کے اندر پورے قرآن کریم کو حفظ کیا. حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی بڑے صغیر العمر تھے
और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तालीम के लिए हाजिर हुए। इमाम साहब की नजर पड़ी, कैसे आना हुआ? जवाब दिया कि इल्म हासिल करने आया हूं। पहले इल्म हासिल करने का बड़ा शौक ज़ौक था। यहया इब्न यहया मसमूदी अल अंदलुसी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। दो मरतबा अपनी जिंदगी में हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुअत्ता पढ़ने के लिए आए हैं। मोहम्मद इब्न यूसुफ इब्न मतर अल फिरबरी, ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रहे और बुखारी के इंतकाल के बाद 60 साल उन्होंने बुखारी पढ़ाई। उन्होंने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से दो मरतबा बुखारी शरीफ पढ़ी, पहले जवानी में फिर मुअम्मर होने के बाद। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। साहेबे बदायु सनाए सब उलमा जानते हैं, बड़ी किताब है। इसकी तसनीफ की वजह लिखी है कि ये मौलिफ ने क्यों लिखी। साहेबे बदायु सनाए की अहलिया ने, जो बड़ी आलिमा थी, उसने कहा कि मैं शादी उससे करूंगी जो बेहतरीन मुसन्निफ होगा, उससे शादी करूंगा। लोगों ने धड़ाधड़ किताबें लिखी और कई जिल्दों में लिखी। वह सब किताबों को चेक किया। इस नौजवान लड़की ने और साहेब बदायु सनाए की किताब को पसंद करने के बाद उनसे शादी की। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा 18 साल की उम्र थी और हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। 9 साल हुजूर की खिदमत में रही। 9 साल की उम्र थी और हुजूर के घर आई, और 18 साल की जब उम्र हुई तो दुनिया से हुजूर तशरीफ ले गए। 9 साल का इल्मी कोर्स पूरा कर लिया। एक खूबी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रही कि वो हाफिजा हैं कुरान करीम की। दूसरी खूबी यह है कि 2210 हदीसों की हाफिजा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो 5374 हदीसों के रावी और हाफिज हैं। तो अर्ज करने का मंशा ये कि ये बड़ा अजूबा रहा कि मर्दों ने तो याद किया, ख्वातीन भी इसमें पीछे नहीं रही। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की दो बीवियां थी। वहां दो बीवियों का रिवाज आम था, तीन बीवियों का रिवाज भी आम था, कोई बुरा भी नहीं समझता था। दूसरा ये कि निकाहे बेवगान, औरत बेवा हो गई, नौजवान है, इद्दत पूरी होती उसकी शादी हो जाती थी। इसको अब जो है हम जमीयत में ये चलाएंगे इंशाल्लाह कि जो ख्वातीन नौजवान हैं और बेवा हैं, हम इंशाल्लाह उनकी शादियां कराएंगे, जमीयत कराएगी इंशाल्लाह। जमीयत के कामों में बड़े बड़े काम हैं, उन्हीं कामों में से एक काम जरूरतमंदों के निकाह करवाना है, उनमें यह भी आता है एक काम। और हर खैर का और भलाई का काम करना जमीयत के अहदाफ के अंदर दाखिल है।
और वो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना अरशद साहब हमेशा करते ही रहते हैं, उनकी चीजें हमारे सामने आती ही रहती हैं। बहरहाल लड़कियों का कुरान शरीफ हिफ्ज करना ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से मुझे चंद बातें अर्ज करनी। लड़का जब कुरान करीम हिफ्ज कर लेता है तो उसके पास टाइम होता है। जैसे अभी ये बच्ची ने हिफ्ज कर लिया है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास टाइम है, ये आलिमा बनेगी, इल्म हासिल करेगी। हमारा मदरसा है खदीजतुल कुबरा, हजरत मीर साहब का कायम करदा, अभी बताया आपको। तो वो बेफजलही ताला वहां जाकर इल्म हासिल करेगी। अब क्या हो जाता है, शादी। शादी के बाद इल्म को संभालना और कुरान शरीफ को संभालना बड़ा काम है। लड़का तो आलिम हुआ तो मुलाजमत कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, और इस नाते से कुरान पढ़ाएगा, खैर हुक्म मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लेकिन लड़कियों को कम ऐसे चांसेस मिलते हैं। वो मुबारक लड़कियां हैं जिनको माहौल शादी के बाद भी इल्मी मिला, इसलिए कि या तो उनके शौहर आलिम रहे जिन्होंने उनके इल्म का पासो लिहाज करने वाला माहौल उनको दिया, तो वो बच्ची हमेशा हिफ्ज जो है उसे बाकी रखेगी, क्योंकि कुरान शरीफ याद करने के बाद उसको बाकी रखना ये असल काम है। हजरत मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लातपुरी रहमतुल्लाह अलैह बच्चियों को हाफिजा कराने के काई कम थे। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने मेरे वालिद साहब के घर भी देखा और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर भी देखा, और वो दोनों हजरत को हजरत मीर साहब के अक्द में शामिल होते हुए भी देखा और एक अक्द में मैं शामिल भी रहा छोटा सा था। उनका इल्मी मिजाज था, उलमा से हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक, इधर रांदेर के अकाबिर से ताल्लुक, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह दो गुलशन आबाद हैं और हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और औलाद व अहफाद जो हैं वो भी तमाम उलमा और फुकहा और हुफाज बने। ये जलसा क्यों मुनाकिद करना पड़ा? अब हजरत मीर साहब की दूसरी साहबजादियों ने हिफ्ज किया, काम शुरू किया, आखिर तक पढ़ाया, पता नहीं चला उनके कारनामों को। लेकिन सिगरे सिन्नी में हदीस का जखीरा सीने में जमा कर लेना यह भी एक काम है। वो बच्ची तो मानती नहीं थी कि नहीं मैं 40 सुना के छोड़, कितना शौक है। और यह शौक मां बाप की मेहनत का असर है। यह जलसा मुनाकिद करके मां बाप की तशवीक मुराद है कि जो मां बाप सुन रहे हो देख रहे हो वो चाहें तो अपनी औलाद को जिस करवट पर बिठाना चाहें और जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। इनके हजरत वालिद साहब मुफ्ती फैसल साहब कितनी मर्तबा मेरे पास ये प्रोग्राम के सिलसिले में तशरीफ लाए और कितना जौक शौक उनका है इसका अंदाजा, यहां तक कि आज फजर में भी एक बार आए। हालांकि आम मतन मेरे पास प्रोग्राम लिखवा के जाने वाले प्रोग्राम के दिन रूनुमा होते हैं और कभी कभी प्रोग्राम में गायब भी होते। लेकिन ये कई मरतबा आए और अभी इस वक्त यहां मौजूद भी है। तो शौक दिलाने के लिए इजलास किए जाते हैं, कोई नुमाइश के लिए नहीं किए जाते।
ताकि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए। दूसरा ये कि उम्मत के सामने ये हकीकत आए कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों में क्या टैलेंट है, क्या खूबियां हैं, क्या कमालात हैं, कैसी कैसी क्वालिटीज उम्मत के अंदर पोशीदा है, ये तमाम बातें भी हमारे सामने आए। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे और इमाम आजम की जो मजलिस थी वो बड़ी इल्मी मजलिस होती थी, उसमें बड़े बड़े मुज्तहिदीन जमा होते थे और मसले पर डिस्कस होने के बाद वो मसला लिखा जाता था। 65,000 मसाइल इमाम साहब ने तरतीब दिए हैं। बाज लोग इमाम साहब पर एतराज करते हैं कि उनको 17 हदीसें याद थी। मैंने कहा बड़ा कमाल रहा कि 17 हदीसों से 65,000 मसाइल निकल दिए, ये तो बहुत बड़ा कमाल हुआ। हमको तो एक हदीस याद नहीं, और एक हदीस याद है। एक साहब थे वो हमेशा एतराज करते थे कि ये हदीस कमजोर है। मैंने कहा भाई तू भी तो कमजोर है, तू भी बहुत कमजोर है, हदीस को काहे को कमजोर कर रहा, तू कौन सा बड़ा पहलवान है भाई, हर रिवायत को ज़ईफ़ करार देता है। वो बाद लोग फजाइल आमाल पे एतराज करते हैं कि इसमें ज़ईफ़ हदीसें। जो साहब एतराज कर रहे थे मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कोई किताब तूने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी। तू लिख सकता है, कल लिख भी नहीं सकता हूं। मैंने कहा तेरी बातों से कितनों की जिंदगी बदली और फजाइल आमाल से लाखों की जिंदगी बदली। नहीं नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ने वाला बन गया, दीनदार नहीं था दीनदार बन गया, अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तब्दील। और कितनी मां बहनें दीन पर आ गई। मेहनत तो असल उलमा ही की थी ना, हजरत शेख ने एक एक हदीस मालूम नहीं कहां कहां से इस्तेमबाद करके और हदीसों का जखीरा खंगाल खंगाल के हदीसें जाकर के जमा किया। मुंह से यह कह देना कि ज़ईफ़ है तो आसान है। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस जलील ने अरसे दराज तक बुखारी शरीफ पढ़ाई, रमजान में फजाइल आमाल लेकर बैठते थे और हदीस जो है वो पढ़ते थे और फिर कहते थे तलबा से कि जरा वो हदीस की किताब लाओ, ये हदीस हजरत ने कहां से लिखी है, ये लाओ ये लाओ। 20-20 किताबें तालीम के दौरान जमा हो जाती थी, हजरत हदीस ढूंढते रहते थे फिर बंद कर देते कि शेख का मालूम नहीं इल्म सा समंदर है, ढूंढता हूं तो हदीस नहीं मिली। तो भाई अल्लाह ताला ने हमारे मशायख को बड़े उलूम अता फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया कि हजरत दिन भर तो बड़े बड़े 4-5 इज्तिमा को खिताब करते हैं, तो आप जो है कुरान शरीफ की तिलावत कब करते हैं कितनी करते हैं, तो फरमाया रोजाना जब वक्त मिलता है तिलावत कुरान करता हूं, रोजाना 16 पारे पढ़ता हूं। तो अब जो है मौलाना फैसल साहब से मेरी दरखास्त है कि इनसे दौर करवाइएगा ताकि ये महफूज खजाना रवाना ना हो, निकल ना जाए। बहुत मुश्किल से ये मिलता है ना। तो जब आ गया है खजाना तो जाने मत दीजिएगा, और जाने न देने का रास्ता बताया गया कि इसका दौर कसरत के साथ कीजिए तो ये खजाना बच जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, मौलाना अरशद साहब ने तो यूं फरमाया कि कुरान करीम इन्होंने सीने में महफूज किया दो बच्चियों ने। और मैं एक और बात कहता हूं कि कुरान करीम को ये बच्चियों ने महफूज नहीं किया बल्कि कुरान करीम ने इनको महफूज किया है। क्यों? कि अब जब तक कुरान की रोशनी रहेगी बच्चियों के पास, हदीस की रोशनी रहेगी,
ये दो रोशनियों के होते हुए गुमराही का कोई सवाल पैदा नहीं होता। गुमराही के अंधेरों से बचने के लिए दो लाइटें अल्लाह ताला ने इनको दे दी, एक कुरान की लाइट है, एक हदीस की लाइट है। और फितने अंधेरा है, अंधेरों में राह पाने के लिए रोशनी की जरूरत है, और वो दो रोशनियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अब हदीस जो है उसके बारे में हदीस शरीफ में ही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खुलफा पर रहम फरमा। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, सवाल किया, मन खुलफाउका या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ये खुलफा आपके कौन है, डेप्यूटीज कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग हैं अल्लज़ीन यरवून रिवायती, जो मेरी रिवायत और मेरी हदीस को लोगों के सामने पेश कर। तो हदीस पढ़ने का और हदीस याद करने का, महफूजात का एक बहुत बड़ा निजाम है, बहुत बड़ा सिलसिला। ये तो बच्चियों ने एक जगह बैठ के याद कर लिया, इब्ने माजा मुहद्दिस हैं, कितनी जगह गए, दमिश्क, कूफा, बसरा, मिस्र, बगदाद, मुरु, रे, खुरासान, कितने इलाकों के अंदर गए और हरमैन शरीफैन का सफर किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रूस के रहने वाले, रूस से निकलकर पूरे इलाके में गश्त किया है और फरमाते हैं कम दखल तो फी बगदाद व कम खरज तू मीन गोला आलम, इतनी मरतबा हदीस हासिल करने के लिए मैं बगदाद गया और बगदाद में से निकला हूं। बात रह जाएगी उसको मुकम्मल कर लो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई अगर तुमको इल्म हासिल करना है तो एक कंडीशन, एक शर्त है, हर शर्त यह है कि तुमको कुरान हिफ्ज है। हजरत हिफ्ज नहीं है तो कहा जाओ मजलिस में नहीं बैठ सकते। यहां शर्त यह है कि वो बैठेगा मेरी मजलिस इल्मी में जिसको कुरान हिफ्ज होगा, और हिफ्ज भी रमजानी नहीं, मैं पूछूं कि फौरन आया, जैसे उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिज को साथ ही बिठाते थे, आयत का अगला हिस्सा बयान कर, अगला हिस्सा बयान कर, आयत का अगला हिस्सा बयान कर। तो कुरान मुस्तहजर होना चाहिए, और मुस्तहजर होने का तरीका यह है कि दौर कसरत से किया जाए। और एक जुमला मेरे वालिद साहब का इस मौके पर कहता जाऊं कि कुरान से सरसरी ताल्लुक के बजाय कुरान करीम से इश्क पैदा करो, कुरान करीम से मोहब्बत पैदा करो, इसका एक एक हर्फ हमारे दिल में बस जाना चाहिए। हर हर्फ को सीने में बसा लूं तो है ये बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। तो भाई कुरान करीम तो सीनों में बसाने की और कुरान करीम तो दिल में बसाने की किताब है। इश्क और मोहब्बत इसके एक एक हर्फ से होना चाहिए। इस पर वाकयात हैं, वक्त नहीं है। दूसरे हफ्ते हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हजरत इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह आए। हजरत ने फरमाया फिर आ गए, गुज़श्ता तो तुमको मना किया था। फरमाया हिफ्ज करके आया हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा कुरान करीम हिफ्ज किया और इमाम जमाना बने। कई बड़ी बड़ी किताबें जो है इमाम मोहम्मद इब्न हसन ने लिखी, जामे सगीर, जामे कबीर, सियर सगीर, सियर कबीर, मबसूद, जियादात, ये सब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं। और यहूदी ने देखी इतनी किताबें लेन से लगी हुई तो पूछा कि ये किताबें लिखी किसने, कही ये मोहम्मद इब्न हसन ने लिखी है।
तो उस यहूदी ने ईमान कबूल करते हुए कहा कि मोहम्मद सगीर का आलम यह है तो मोहम्मद कबीर का आलम क्या होगा, इस बिना पर मैं ईमान कबूल करता। तो अर्ज कर रहा था कि आज बहुत खुशी की बात रही, मीर खानदान के लिए भी, उनकी जो खवातीन हैं और जो हजरत मीर साहब की साहबजादियां हैं और रिश्तेदारान हैं और हजरत मौलाना अरशद साहब हैं और दूसरे तमाम ही रिश्तेदारान, चाहे वो यहां मौजूद हो ना हो, लेकिन उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला इस खानदान को जो इल्म खाली महफूज ही नहीं करता बल्कि इल्म को फैलाने और नशरो इशात में लगाए, अल्लाह ताला आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره। اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن। اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا। اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك। اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह, खत्म कुरान करीम के मौके पर दुआओं का कबूल होना सुना है। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में हाथ फैलाकर हमने भी हमारी मुरादें मांगी हैं कि हमारी औलाद व अहफाद भी अल्लाह इसी तरह हाफिज हो जाए, आलिम बन जाए, दीन का काम करे। दुनिया से तूने नहीं रोका लेकिन दीन का काम करना ये असल है, मकसद जिंदगी पर अल्लाह में गामजन फरमा दीजिए। और ए अल्लाह, इन बच्चियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, इनकी और अहबाब और इनके माँ बाप के लिए खुशियों का ये मंजर बना दीजिए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और खुशियाँ और नजात के ज़रिए बनाइए। अल्लाह हाजरी को कबूल फरमा, दुआएँ अपने फजल व करम से मंजूर फरमा। बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।